हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम डेली। आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं एसबीआई में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है, उसके बारे में हम अभी फुल डिटेल देखने वाले गाइस। ओके गाइस, हम अभी वीडियो में जाएगा और जो देखिए एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें हम देखने वाला नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में आपको रहेगा एंड एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन एंड देन नेक्स्ट आपको भी रेगुलर बेसिस में रहेगा। सो तीन हम अभी नोटिफिकेशन हम अभी देखने वाला है। तो फर्स्ट हम अभी देखने वाला है ये नोटिफिकेशन। सो इसमें रिक्रूटमेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेट ऑफ इन द रेगुलर बेसिस हम अभी देखेंगे। सो फर्स्ट इसका स्टार्टिंग एप्लीकेशन का टाइमिंग देखेगा, मतलब फुल एंड फुल ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन में करना पड़ेगा। एंड देन इसका डेट देखेगा, मतलब 28 आज से शुरू हो रही है, 18 अक्टूबर तक आपने इसको अप्लाई कर सकता है। एंड देन ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट आपको 15 नवंबर जैसे रहेगा, आपको अप्रोक्सीमेट दिया है। एंड देन कॉल लेटर एंड रिटर्न टेस्ट का कॉल, सो फुल एंड फुल 3 नवंबर के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा जैसे दिया है। अप्रोक्सीमेट डेट एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट आपको बाद में देगा, सो नियर एग्जाम का डेट में। एंड देन अभी नेक्स्ट पोस्ट हम अभी देखेंगे, दो पोस्ट फर्स्ट दिया है, मतलब मार्केटिंग में मैनेजर एंड देन डिप्यूटी मैनेजर। ग्रेड लेवल देखेगा, मतलब 3 and 2, एंड टोटल वैकेंसीज फॉर मैनेजर 12 वैकेंसीज अवेलेबल एंड डिप्यूटी मैनेजर आपको 26 वैकेंसीज अवेलेबल। पर पीडब्ल्यूडी आप लोग को एक एक वैकेंसीज अलग से दिया है। एंड देन ये पोस्ट को आपको मैक्सिमम एज 40 इयर्स के अंदर रहना चाहिए एंड देन फॉर सेकेंड पोस्ट 35 इयर्स के अंदर रहना चाहिए। सेलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू जैसे रहेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको किधर भी रह सकता है। एंड देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वो भी देखेंगे। सो फॉर फर्स्ट को फुल टाइम ऑफ MBA नहीं तो PG DBM फिनिश करके तो चलेगा, इसको अप्लाई कर सकता है। रिक्वेस्ट स्किल आपने एक्स्ट्रा क्या मांग रहे हैं, फॉर प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन एंड देन आपको थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा मांग रहा है। एंड देन एजुकेशन का भी थोड़ा मिनिमम एज ऐसे बोलते हैं ना, सो वो आपको डिटेल दिया है वर्क एक्सपीरियंस जैसे, वो भी एक बार चेक कर लो। सो बाकी का फुल एंड फुल आपको थोड़ा नॉर्मली रहते। सो अंदर नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल वगैरह दिया है एंड देन पे स्केल हम अभी देखेंगे। सो फॉर फर्स्ट को 63,840 से आपको स्टार्ट हो रही है एंड देन फॉर मिडिल मैनेजमेंट के लिए 48,170 से शुरू हो रही है, आपको कंपलसरी बढ़ जाता है। एंड देन आपको रिटर्न टेस्ट का पैटर्न एंड देन शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू का फुल डिटेल दिया है, वो भी आपने एक बार चेक कर लो। एंड देन नेक्स्ट पोस्ट हम देखेगी। सो नेक्स्ट हम आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ले रहा है। सो सेम प्रोसेस गाइस, सो कभी से कभी मतलब डेट 20 to 18 अक्टूबर तक अप्लीकेशन सेम सब एक ही है, लेकिन इसमें आप अभी देखने वाला थोड़ा पोस्ट का नाम एंड देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रहेगा। सो फर्स्ट ये पोस्ट हम ABC जैसे कैटेगरी आपको सेपरेट से दिया है। सो ए में आपको पोस्ट एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन ऑप्शन जैसे दिया है। सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक ईयर जैसे दिया है एंड वैकेंसीज एक ही वैकेंसीज फॉर जनरल के लिए एंड मैक्सिमम 30 इयर्स एंड देन सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टेड बाय इंटरव्यू जैसे दिया है। एंड देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MA हिस्ट्री जैसे आपने फिनिश करेगा तो चलेगा, और MA इन आर्ट्स सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स वो भी चलेगा। एंड देन मिनिमम 50% आपने पास होना चाहिए जैसे दिया है। एंड देन आपको वर्क एक्सपीरियंस भी आपको मांग रहा है एंड देन जॉब प्रोफाइल एंड देन सिलेक्शन प्रोसेस आपको सबको डिटेल दे दिया है। हम अभी नेक्स्ट पोस्ट को जाएगा। सो नेक्स्ट आपको SBI फॉर वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऐसे दिया है। सो वो मैं देखेगी। सो उसमें 6 पोस्ट आपको दिया है, फॉर रिलेशनशिप मैनेजर हिंदी, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, सेंट्रल रिसर्च टीम एंड सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट। सो प्रोडक्ट लीड एंड सपोर्ट जैसे आपको अलग अलग सेपरेट से दिया है। एंड देन इसमें टोटल वैकेंसीज आपको दिया है। सो फर्स्ट को 314 वैकेंसीज, इसमें आपको कैटेगरी वाइज सेपरेट अपडेट देख लो, आपको कौन सा कैटेगरी कौन सा वैकेंसी अवेलेबल है करके उसके बाद आपको अप्लाई कर दो। फॉर सेकेंड को 20 एंड देन कस्टमर रिलेशनशिप को 217 वैकेंसीज एंड देन इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स को 12 वैकेंसीज, सेंट्रल रिसर्च टीम को 2 वैकेंसीज, सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट के लिए 2 वैकेंसीज अवेलेबल। एंड देन आपको एज ऑलमोस्ट एक ही है, 23-35 जैसे आपको ये मैक्सिमम दिया है, स्टार्टिंग दिया है। सो 23-35 का अंदर रहना चाहिए जैसे आपने कौन सा आपको पोस्ट रहेगा तो भी चेक कर दो। एंड देन प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी वेयर भी रहेगा एंड देन आपको कॉन्ट्रैक्ट 5 इयर्स एंड देन सेलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्ट बाय इंटरव्यू भी रहेगा। एंड देन बाकी का आपको कौन सा चेक करके फुल डिटेल देख लो। सो पोस्टिंग का नाम एंड देन पोस्टिंग का ये एक ही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेगी। सो रिलेशनशिप मैनेजर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ग्रेजुएट जो भी आपने फिनिश करेगा तो चलेगा, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट।
आपको कौन सा पोस्ट में कौन सा मांग रहे करके देखने का पता डाल दो एंड देन जॉब प्रोफाइल एंड देन हाउ टू अप्लाई जैसे फुल डिटेल्ड आपको दिया है। सो बाकी का ये तीन आपको नोटिफिकेशन में भी आपको डेट एक ही है, सो डेट देखने का बात आपने कर दो एंड देन ऑफलाइन ऑनलाइन करके कैसे अप्लाई करने का भी हम लोग का वेबसाइट में भी दिखेगा। एग्जाम डेली में ये नोटिफिकेशन का नीचे आपको दिखेगा, नहीं तो भी ये एग्जाम डेली में भी दिखेगा, नहीं तो ये वेबसाइट में भी फर्स्ट में अप्लाई ऑनलाइन जैसे ब्लिंक हो रहा है ना वो क्लिक करेगा तो भी कर सकता है। ओके गाइस, आज का वीडियो फिनिश हो गया। ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा, लग रहा है ऐसे यूजफुल वीडियो चाहिए तो एग्जाम डेली को सब्सक्राइब कर दो, आपको जो भी न्यूली वगैरह आपको अपडेटेड वगैरह आते हैं तो आपको तुरंत आ जाएगा। ओके गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा हूँ।